ABPS 뉴스. नमस्कार, एबीपीएस न्यूज के विशेष कार्यक्रम में मैं दीपा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। जिंदगी का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। लोग इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना ही भूल गए हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर रंजना सिंह जी से, जो एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं और एक समाज सेवी भी हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी एक समान, महिला सशक्तिकरण होने के बावजूद भी ऐसा क्यों माना जाता है कि महिला लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों है? ये तो एक सामाजिक कुरीति समझ लीजिए। भाई, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करती है, चलाती है, समाज से भी जुड़ते हैं सब लेकिन जब तक ये धारणा कि हमारे बेटा बेटी समान है, हमें बेटियों की भी उतनी ज़रूरत है जितनी बेटों की ज़रूरत है, जब तक ये सामाजिक सोच नहीं बदलेगी तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी और तब तक हम उस लेवल तक, उस गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए पहले हमें सभी लोगों को, मतलब नहीं, ठीक है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने सोशल लोग आए, समाज के लोग आए, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, लेकिन आप सबको एजुकेट नहीं कर सकते। सबको एजुकेट करने के लिए वो चीज़ सब में धीरे 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 कर, हमें उसको दिल से छूना होगा। जब जब हम किसी से कोई कन्वर्सेशन करें तो हमारा कन्वर्सेशन ऐसा भी होना चाहिए कि वो दिल को छूने, क्योंकि दिल से एक्सेप्ट होगी कोई भी बात तभी वो समाज में उस गहराई तक, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होगी। धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं, बट अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और जहाँ तक मेरे सिटी मुरादाबाद की बात है तो यहाँ तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। यहाँ पिछले बहुत सारे सालों में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो रिपोर्टेड हो या किसी ने कही हो कि भाई मेल फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन किसी ने किया हो या किसी ने कोई अबॉर्शन की शिकायत आई हो। तो ये तो मेरे शहर के लिए, मेरे शहर के लोगों के लिए या डॉक्टर्स के लिए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस श्रेणी में नहीं आते। और बहुत अच्छा चेंज हो रहे हैं, बट धीरे धीरे जो डिफरेंस था वो कम हो रहा, बट टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ में, कोई जो माइंड सेट हो गया उसको चेंज करने में समय लगता है। मैम, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है, आज भी समाज में ये सोच व्याप्त है माँ बाप पर बेटी बोझ होती है, इस मानसिकता को आप कैसे खत्म कर सकती है? धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जब एजुकेट होंगी तो उनकी घर में भी, अपनी फैमिली में भी उनकी वैल्यू भी होगी, उनका स्टैंड भी होगा। और जब अब थोड़ा फाइनेंशियली भी लोग थोड़े साउंड होते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब असेट्स का मतलब वो बेटे को इसलिए असेट्स मानते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेगा, लेकिन अब बेटियाँ भी सहारा बन रही हैं। अब बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो अपनी, उनके मान लो बच्चे या बेटा उनका ठीक नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो वो उनकी बेटी साउंड है तो वो वहाँ जाते हैं, जबकि पहले ज़माने में तो लोग उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। तो इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैम, जब एक बेटी के शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं तब उस समय में माँ बाप को उसके प्रति क्या जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, उसका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली पहले तो थोड़ा सा लेट होता था ये जो चेंजेस आते हैं, लेकिन अब अर्ली आने लगे। तो बच्चे के लिए तो एक, खास तौर से गर्ल्स के लिए तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल कई बार ट्रॉमा जैसा हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन उसमें यही है कि हम एक माँ को एजुकेट करना है उसको कि ये नॉर्मल चेंज है, ये मेरे साथ हुआ, ये पड़ोस में तुम्हारी और रिलेशन है, तुम्हारी सिस्टर है उसके साथ हुआ, क्योंकि ये सबको ऐसा लगता है कि हाँ अरे ये क्या हुआ, मतलब इट वॉज जस्ट लाइक अ शॉक। तो वो चीज़ उसके लिए एजुकेशन जरूरी है कि हम उसे कॉन्फिडेंस दें, उसको समझाएं, और डाइट उस चीज़ का ध्यान रखें, और उसको जो फिजिकल उस समय प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए भी ध्यान रखें कि भाई यदि बच्चे को, आपको लगता है कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी है तो कंसल्ट अ डॉक्टर।
लेकिन उस चीज़ को ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मेडिसिन नहीं ले, कई बार ये मिथ्स भी हैं कि अरे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है उन चेंजेस से लाइक मेंस्ट्रुएशन से तो डॉक्टर कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अरे बच्चे हमारा ये चेंज हो रहा है, उसको ये परेशानी हो रही, कहीं वो उस चीज़ को अदरवाइज ना ले ले कि ये मेरे साथ ही हो दूसरे के साथ नहीं, तो फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एज ऐसी होती है उसमें उसको बड़ा अजीब सा लगता है। मैम, अडल्ट एज में आने के बाद लड़की के व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, किस तरह से उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए? देखो, एक तो एडोलेसेंसी होगी, तो एडोलेसेंसी तो एक चीज़ अलग हो जाती है कि भाई जब उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के। एक होता है अडल्टहुड, लाइक वो बड़ी हो गई, अब वो बड़ी हो गई लगी जिम्मेदार। जो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि हमें अपनी लड़कियों को रियली ऐसे एजुकेट करना चाहिए, उनको इस तरह से एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हमने उन्हें BA MA करा लिया, BED करा दिया, लाइक हमने उन्हें एक नौकरी के लिए तैयार किया। एजुकेशन का मतलब है कि एक परिवार को संभालने के लिए हमने उन्हें संस्कार दिए, क्योंकि उनको एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना है। भाई हमारे यहाँ लड़के तो शादी होके नहीं आते ना, लड़कियाँ ही ससुराल जाती हैं, तो लड़कियाँ ही तो अपने फैमिली छोड़ती हैं, तो डेफिनेटली उनमें एडजस्टमेंट की नेचर होने चाहिए। वैसे सब एडजस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे उसको ज़्यादा झुकना पड़ेगा। खाली यही ना सोचें कि भाई कुछ भी हो गया, पिक्चरों की तरह थोड़ी सी होता है, नॉर्मल लाइफ में और फिल्मी लाइफ में फ़र्क है। तो इसलिए हमें उनको इस तरह से कि बच्चे एक टॉलरेंस भी हो कि भाई बेटा कोई बात नहीं, कोई भी बात हो आप उसको उस तरह से काम कर्मठ बनाइए, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, इसलिए फैमिली ब्रेकअप हो रहा है, उनमें एडजस्टमेंट की आदत नहीं, उनमें झुकने की आदत नहीं। मेरा अपना जो असेसमेंट है तो वो संस्कार अडल्टहुड में, वो संस्कार, वो जो जिम्मेदारियों को वहन करना, वो सारी चीज़ें उनमें आनी चाहिए, रेस्पेक्ट देना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें। देखिए, हम अमेरिका को नहीं ला सकते यहाँ पर, क्योंकि वहाँ की कल्चर अलग है, हमारी कल्चर अलग है। तो एडवांसमेंट होंगे, थोड़ा बदलाव भी होगा समाज भी, लेकिन थोड़ा माँ बाप को भी चेंज होना पड़ता है भाई बच्चे। लेकिन फिर भी ख़ास तौर से मेरी बेटियों के लिए ये रिक्वेस्ट समझ लो कि फैमिली को चलाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें संस्कार देने होंगे, और ये फैमिली देगी, क्योंकि ताकि ये संस्कार होंगे उनमें, उनमें एडजस्ट करने की नेचर होगी, उनमें झुकने की, थोड़ा सा झुकने की, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा झुकने की नेचर होगी, तो वो अपनी आगे फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से डील कर सकती हैं। मैम, आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, फिर भी लोगों की मानसिकता है कि लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, इस तरह से उस पर शादी को थोपा क्यों जाता है? थोपा एक्चुअली अब तो खैर, क्योंकि जब बड़ी बेटियां पढ़ने लगी हैं तो वो शादी वादी भी लेट होने लगी है, लेकिन लड़की की शादी करके वो उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उनको लगता है कि बेटी की शादी करो, वो अपने घर जाए और हमारा, लेकिन फिर भी जो एज रिकमेंडेड है गवर्नमेंट से कि भाई आपकी बॉडी के चेंजेस ऐसे हैं टीन ईयर्स, तो वो आपकी जो है उससे पहले शादी जो गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है, वहाँ ध्यान रखना चाहिए, वहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, जो एज से पहले बच्चे की शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं तैयार, उसका मन तैयार नहीं है, उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ उसकी, वो उस चीज़ को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है शादी, एक पौधे को एक जगह से हटा के दूसरी जगह इम्प्लांट करना, तो उस समय तो यदि पौधा ठीक नहीं है, उस लायक नहीं हुआ कि वो वहाँ से हट के दूसरी जगह, तो वो डेफिनेटली उसमें मुड़ जाएगा या गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, तो इसलिए वो ध्यान रखना है। पुराने ज़माने में अलग था, बाल विवाह की प्रथा थी, उस समय अंग्रेजों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए, उस समय मुस्लिम से अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुस्लिम शासक थे, हम लोग ये करते थे कि वो लड़कियों को साथ गलत ना करें तो हम बेटियों को जल्दी शादी कर देते थे, लेकिन वो अब कल्चर धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब कहाँ, अब तो अच्छी खासी एज में हो रही है, अब तो बहुत ही कुछ ही ग्रुप ऐसे सामाजिक हैं, ऐसे कुछ जगह ही ऐसी हैं जहाँ लड़कियों की जल्दी शादी होने लगी, अब तो रूरल एरिया में भी अच्छी, या फिर माँ बाप बीमार रहते हैं तो वो सोचते हैं हमें अपनी बेटियों को जल्दी जल्दी शादी करें, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो वो जल्दी जल्दी शादी करते हैं, लेकिन आम तौर पे अब लोग ना धीरे धीरे सब, क्योंकि फैमिली प्लानिंग होने लगी, एक प्लान फैमिली, कम बच्चे हैं, फाइनेंशियल भी लोगों की, लेकिन फिर भी हमें यहाँ ध्यान तो हमारे समाज को भी रखना,
कि जो इस तरह की सोच रख रहे हैं कि जल्दी, तो हम और इस वजह से कि फाइनेंशियली, तो हम कहीं सामाजिक सिस्टम से उसको भी मदद कर दें, बेटी के बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद कर दें, उस चीज़ का ध्यान कर लें। थोड़ा सा सिर्फ सब लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा मैम, शादी के बाद जब एक लड़की जिम्मेदारियों में बढ़ती है, तो वो किसी की पत्नी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? क्या इस समय भी उसकी ज़िंदगी में बदलावों का गुजरना पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली गुजरना पड़ता है। वैसे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस की बात, जब कोई लड़की अपने ससुराल आती है तो वो ये सोच के आती है कि वो एक आइडियल बहू भी बनेगी, आइडियल पत्नी बनेगी, आइडियल भाभी सब जी, क्योंकि उस समय तो वहाँ तक होती है, लिमिटेशंस होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, बच्चे तो माँ तो बाद में बनती है ना, तो वो वहाँ पर। लेकिन कई बार उसको यदि हम प्यार दें, आपके यहाँ कोई मान लो गेस्ट गेस्ट की तरह से जाती है वो, यदि उसको सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, और वो ये सोच के जाती है, तो डेफिनेटली वो एक एडजस्टमेंट में उसे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कहीं किसी वजह से, चाहे वो आपकी डोरी की वजह से हो, चाहे उसकी सुंदरता की वजह से हो, चाहे उसकी एजुकेशन की वजह से हो, यदि उसको कहीं क्रिटिसिज्म मिलता है, कहीं कंपैरिजन ऐसा मिलता है कि शी इज़ इन्फीरियर, तो वहाँ उसको डेफिनेटली ट्रॉमा होता है, बहुत बहुत दर्द होगा उसको। मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट मिली, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ क्योंकि यही हो सकता है उसको दर्द मिलने का, अदरवाइज वो बहुत अच्छा फील करती है इन द बिगनिंग। लेटर ऑन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि किसी के जीवन में कैसी आ गई, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, लेकिन मतलब एक आई थिंक एक प्लीजेंट एहसास ही होता है शुरुआत का, और बाद में भी ठीक ही चलता है, ऐसा ऐसे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अब तो एक शादी आना उस लेवल पर होने लगी है कि वो मेंटली मेच्योर हो गई कि हाँ मुझे ये रिश्तों को कैसे निभाना। वो तो पहले वाले संस्कार उसको जो माँ बाप ने दे दिए उससे उसको ठीक लगता है, ऐसा नहीं, बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि अब तो डोरी वोरी में भी वो गलत सलत मुकदमे होते हैं, सब गलत, अदरवाइज कोई दहेज वहेज का उत्पीड़न ऐसा मैं जो देखती हूँ तो कोई भी नहीं कहता, कोई कितना भी लाओ कौन मैटर करता है, पहले तो होता था दहेज कितना लाए इतना लाए, अब तो लोग चुपचाप लेने वाले में विश्वास रखते हैं, अब ऐसा नहीं। मैम, माँ बनने के समय में महिला का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से उसकी परवरिश करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, उसके बच्चे को जन्म दिया जा सके? ये एक्चुअली क्या है कि एक जो बच्चा बन रहा है माँ के पेट, वो इतना सेंसिटिव है। एक वीडियो भी व्हाट्सएप पर आया था ना कि जब बच्चा मतलब 8 वीक्स का, मतलब जब बच्चा बहुत छोटा था, लाइक 3 मंथ्स का की एज होता है उसे, वो तभी फील करने लगता है, उसकी कान बन जाते हैं। मतलब वो वीडियो आपको ये दिखाता है कि बच्चा इतनी जल्दी से, एक्चुअली वो जो वीडियो है वो ये शो करा है कि जैसे एक लोग फीमेल फिटिसाइड करते हैं, अबॉर्शन करते हैं, तो वो उसको शो करा रहा है कि वो बच्चा ये कह रहा है कि नहीं मतलब ये गलत है, मुझे ट्रॉमा हो रहा है, ये फील कराने के लिए ताकि आपकी आत्मा को झकझोरे। तो ये जो है मेरे कहने का, ये चीज़ मैंने इसलिए उठाई कि बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मदर को, प्रेग्नेंट मदर को मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कूल रहे, शांत रहे, अच्छा सोचे, खुश रहे। तो खुशी का एनवायरनमेंट उसको मिलेगा परिवार से, यदि परिवार वाले उसको खुशियाँ देंगे तो यहाँ परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसको खुश रखे, मतलब उसके अच्छा एनवायरनमेंट दे, ताकि बच्चा भी जो अंदर जीव परवरिश हो। देखो बहुत सारे उसमें ना बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अब ये हो रहा है, अब गोद भराई हो रहा है, ये हो रहा है, खुशियाँ हो रही हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट, घर वाले खुश हैं, ध्यान, तो वो चीज़ें इसलिए कि वो खुश रहे, खुश रहेगी तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है बहुत पहले से भी। फिर डाइट, डाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर से परवरिश होता है, उसमें खून की भी कमी हो सकती है यदि हम ध्यान नहीं देंगे, उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, वो बाद में बच्चे को भी फीड कराना, बच्चे को बॉर्न करना, उसमें ब्लड लॉस, तो वो सारी चीज़ें भी हमें कंपनसेट करनी उसकी डाइट से, उसको डाइट अच्छा देना है, उसको खुश रखना है, फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि शी इज़ नॉट अ डिसीज, मतलब वो बीमार नहीं है, बीमार थोड़ी है, प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक चेंज है बॉडी का, उस चेंज में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें ये हैं कि भाई आप उसको ध्यान रखना है कि वो खुश रहे, उसे एक गुड स्लीप भी होनी चाहिए, एक अच्छी नींद भी एक प्रेगनेंट लेडी को मिलनी चाहिए, एक डाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए कि अननेसेसरी बेड रिडन भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं आराम ही करते रहो करते रहो, क्योंकि फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो होता है लेकिन होने दो, डिस्कम्फर्ट तो होगा बट जो प्रॉपर चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप
नहीं मैं नहीं उठूंगी तो मैं उठूंगी नहीं, मेरा मन नहीं करा तो नहीं। आपको एक बहुत अच्छा एक बहुत सुंदर सा जीवन उस समय जीना चाहिए ताकि एक बच्चा बहुत अच्छा बहुत स्वस्थ एक अच्छा माइंड का, क्योंकि ये तो ईश्वर की देन है, ये तो ईश्वर देने वाला, किसी को जीवन को इंसान कैसे दे सकता, ना डॉक्टर दे सकता ना कोई और दे सकता। मैम एक लास्ट स्टेज भी एक महिला के जीवन में आती है जब एक बार फिर से उसे तनावपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ता है, उस समय परिवार को किस तरह से पेश आना चाहिए? ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है हम अर्ली में बच्चों का, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख लेते हैं, यंग एज एडल्टहुड होती है या एडोलेसेंस, इस एज में सब में एनर्जी होती है, पावर होती है, काम भी करते हैं फाइनेंशियल, लेकिन ओल्ड एज में बहुत सारे चेंजेस महिलाओं में ऐसे होते हैं जो कि दूसरा इंसान नहीं समझ पाता। मान लो एक बच्चे को बर्थ देती है तो कुछ उस समय जो बॉडी में ट्रॉमा हुआ उस ट्रॉमा का प्रेसिपिटेशन जब उसकी मसल्स लैक्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तब होता है, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिन एकदम से आ जाता है, और तुम्हारे मतलब और चेंजेस जैसे आते हैं, वेट गेन होने लगता है, जॉइंट काम नहीं करते, टेंशन होने लगती है, डिप्रेशन हो सकता है, तो इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हमें उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि, और ये बहुत सारी चीज़ें तो देखिए आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होगी, आपको डॉक्टर से, यदि आपको लगता है उनके साथ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन यदि उनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है तो आपको उनसे इंटरेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ओल्ड एज में लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, वो बेचारे अकेले बैठे हैं परेशान हो रहे हैं, फिर ठीक है हम अपने बच्चों के साथ भी तो टाइम पास करते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, हम उनको भी साथ लें जी। हमें उनकी भावनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए जी। वो हमारे बड़े हैं, और जो है फीमेल्स के लिए तो खास तौर से फीमेल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कई बार वो हेजिटेशन में नहीं बताती क्या बच्चों से बताऊँ क्या कहूँ इस उम्र में, लेकिन कुछ चेंजेस उस उम्र के ही होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उस उम्र की होती हैं और वो उसी उम्र में आएंगी, और ये हम जितनी महिलाएं उस एज से गुजर रही हैं, मैं मतलब सबसे कहती हूँ कि आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, आप कंसल्ट करिए, आप टॉर्चर मत झेलिए, क्योंकि वो हेजिटेशन में बहुत सारी महिलाएं बताती हैं डॉक्टर क्या बताएं क्या कहेंगे बच्चे क्या कहेंगे अब कौन ध्यान रखा, क्योंकि नेग्लिजेंस उस एज में जब आप नहीं कुछ कर सकते, आप फिजिकली भी इतने वीक हो, उस समय आपका परिवार को बहुत सपोर्ट करना चाहिए ना, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर रंजना सिंह जी, जिनसे बात करके हमने जाना महिलाओं में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।